नमस्कार दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.36% के क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रही है। तो उसके साथ देखेंगे स्टॉक में के रेड कैंडल है, स्टॉक कंटिन्यूस लेके डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पर डेली टाइम पर भी थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा क्या और भी गिरेगा या तेजी आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ता है तो फिर हमारे सामने क्या टारगेट रहेगा, अगर नीचे जाता तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री स्टॉक अप एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेलाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो स्टॉक एक ऑफ ट्रेंड में था जिसको ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन भी देख सकते हैं, इस तरीके से एक ट्रेलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन करके नीचे जाता हुआ नजर भी आ रहा है। तो अभी के लिए हमारे सामने सपोर्ट लेवल 16.27 का है और एक सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर है जो कि 19.5 का, ठीक है। दोस्तों जब आप देख रहे सपोर्ट जोन है तो स्टॉक अगर सपोर्ट लेता है और अपना ट्रेलाइन को ब्रेकआउट करे तो तेजी का मूवमेंट आ सकते हैं, अदरवाइज अगर इसको ब्रेकडाउन करे तो गिरावट भी कंटिन्यू देखने को मिलेगा, बिकॉज जब स्टॉक अपना ट्रेलाइन को भी ब्रेकडाउन कर चुका है। तो दोनों साइड का व्यू बनाना है आपको, अगर ब्रेकआउट करे तो ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन करे तो सपोर्ट लेवल पर ध्यान रखना है, क्लियर है। दोस्तों फिर भी मन में कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज में है। सो धन्यवाद।